नमस्कार, आकाश न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। मानव धर्माचे संस्थापक व सेवकांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याबद्दल बागेश्वर महाराज विरोधात लाखांदूर पोलीस ठाण्यात तक्रार, सेवकांनी केला निषेध। बागेश्वर धामचे धीरेंद्र शास्त्री महाराज यांनी मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जमदेवजी यांच्या भक्ती व कार्याबद्दल तसेच त्यांच्या सेवकांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याबद्दल सेवकांनी जाहीर निषेध केला आहे। तर आज दिनांक 30 मार्च रोजी लाखांदूर येथील पोलीस ठाण्यात बागेश्वर धामचे धीरेंद्र शास्त्री महाराज विरोधात सेवकांनी लेखी तक्रार करून कारवाईची मागणी केली आहे। भंडारा जिल्ह्याच्या मोहाडी येथील कार्यक्रमात धीरेंद्र शास्त्री महाराजांनी बाबा जमदेवजी तसेच त्यांच्या सेवकांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा आरोप करण्यात आला आहे। मानव धर्मातील सेवक हा परिवर्तनवादी व विज्ञानवादी विचाराचा आहे। मानव धर्मातील कुठलीही अशी शिकवण नाही की आई वडिलांना मानू नये, हा मानव धर्माचा अपप्रचार आहे। महान त्यागी बाबा जमदेवजी तसेच सेवकांबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह विधानामुळे मन दुखावले गेले असून केलेले विधान समाजात तेढ निर्माण करणारे असल्याने बागेश्वर धामचे धीरेंद्र शास्त्री महाराज यांच्यावर कारवाई करून अटक करावी। या संदर्भात परमात्मा एक सेवकचे देवचंद कावडे यांच्या नेतृत्वात अनेक चौघांनी लाखांदूर पोलीस स्टेशन येथे जाऊन लेखी तक्रार केली आहे। या घटनेचा जाहीर निषेध करीत धीरेंद्र शास्त्री महाराज यांच्यावर कारवाई करावी व मोहाडी येथे सुरू असलेल्या कार्यक्रमावर बंदी आणावी, अन्यथा बाबा जमदेवजीचे हजारो सेवक रस्त्यावर उतरतील, अशा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे। हमने कल भी कोर्ट किया था, आज फिर कोर्ट करते हैं। महाराष्ट्र के जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, नागपुर भंडारा जिले के अंतर्गत के क्षेत्र में, यहाँ एक विशेष संप्रदाय मत को मानने वाले लोग हैं, जो हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी को तो मानते, हनुमान जी की नहीं मानते। वो कहते हैं कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए, माता पिता की फोटो नहीं रखनी चाहिए, राम राम नहीं बोलना चाहिए, जय गुरुदेव बोलो। अरे माई बाप ठटरी के बरे, जो हनुमान जी पूरी जिंदगी राम राम बोल रहे हैं, उनके उपासक राम राम ना बोले, हद हो गई यार। ये तो वही बात हो गई है कि रसगुल्ला खा रहे हैं, शुगर से परहेज कर रहे हैं। रसगुल्ला खा रहे हैं, शुगर से परहेज कर रहे हैं। अरे ऐसा करने वाले लोगों, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे पुरखे तो नरक में है ही है, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी नरक में जाएगी। ऐसी भक्ति कदापि हनुमान जी को प्रिय नहीं है। और ये बात हम मुंबई में जाके नहीं बोल रहे हैं, जहां हो रहा इसी क्षेत्र में इस परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो हनुमान जी को तो मानते हैं। अब उनका क्या नाम, जूदेव? राम 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 राम। हे हनुमान जी, सदगति देना सबको। हम उनके बुराई में नहीं है। जय सियाराम। अरे जोर से बोलो, उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हनुमान जी को मानते हो, नागपुर के ही एक महापुरुष ने सिद्ध की ये बात। आओ समझो, हमारी बात को समझो। हनुमान जी महाराज हम नहीं कहते, आप अगर हनुमान जी को मानते हो तो आज की बात नहीं, 500 साल पहले तुलसीदास जी लिख गए। कहां? हनुमान चालीसा में क्या लिख गए? राम द्वारे होते नया ज्ञा, राम द्वारे तुम रखवारे, होते नया आज्ञा बिन पैसा। अब बताओ, ये जो 500 साल बाद भय है, जो कह रहे राम राम नहीं कहना चाहिए, ये पागल है या तुलसीदास जी पागल है? 500 साल पहले तुलसीदास जी कह गए। हनुमान जी कहां रहते?